हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो में हम अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड के क्वेश्चन लेंगे और ये बिल्कुल आपका एक तरह से जैसे क्वेश्चन पेपर में आना है 25 एमसीक्यू और एक घंटे में सॉल्व करने हैं। तो इसमें मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर है, विद्युत धारा और चुंबकत्व वाले चैप्टर, इनके चुंबकत्व में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म दोनों शामिल हैं, तो इनके मैंने सेलेक्टेड 25 क्वेश्चंस लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है, एक प्रोटॉन 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, प्रोटॉन पर लगने वाला बल होगा। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 टेस्ला दी है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड B=2 टेस्ला लिख लेते हैं। वेलोसिटी जो है वो दी है 2×10⁶ मीटर, तो वेलोसिटी हमने 2×10⁶ मीटर पर सेकंड लिख ली। और इसने वेग से लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो यानी कि थीटा हमारा जो है वो 90 हो गया, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल होगा, यानी कि फोर्स जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है FVB कुछ मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, तो फार्मूला आपको पता है F=QVB sin θ, ये फार्मूला होता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इनटू इसमें वेलोसिटी रख देंगे तो 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे तो 2 टेस्ला और इंटू साइन 90 इसमें रख देंगे। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप कि आपका जो आंसर है वो 6.4×10⁻¹³ आता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। कैलकुलेशन ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, और क्वेश्चन नंबर टू है, चालक एवं अर्धचालकों में आवेश घनत्व तो किस प्रभाव के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा है हॉल इफेक्ट, तीसरा है मेज़नर प्रभाव, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मेज़नर प्रभाव से तो इसका उपयोग तो सुपर कंडक्टिविटी में होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरी बात रह गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव, इससे आपका क्या होता है कि विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, तो वैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। हॉल प्रभाव के उपयोगों में मैंने आपको पढ़ाया है कि हॉल प्रभाव के उपयोग, हॉल इफेक्ट जो होता है उसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ इकट्ठे होने लगते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे तरफ, मतलब चार्ज कैरियर्स जो है वो सेपरेट होने लगते हैं, तो उसी का सिद्धांत का यूज़ करके जो है वो चालक एवं अर्धचालकों में आवेश घनत्व तो ज्ञात किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं से भी निकल सकते हैं, एमसीक्यू कहीं से भी बन सकते हैं, तो ये हॉल इफेक्ट का एक यूज़ था, उसी के ऊपर ये एमसीक्यू जो है बना दिया गया है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है, मीटर ब्रिज या विभवमापी में प्रयुक्त होने वाला तार किस मटेरियल का बना होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा या मैंगनीन। तो आप देखिए, मीटर ब्रिज या विभवमापी में जो तार प्रयुक्त होता है उसकी, उसका प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो है उसके ऊपर विभव स्टोर हो सके, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो V=IR से उसके ऊपर विभव कहाँ से आएगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ उसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक करंट बहे, टेम्परेचर बढ़े तार का, तो उस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा ना बदले। तो ऐसी खासियतें जो हैं वो देखिए, कॉपर में तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, एल्यूमिनियम में भी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लोहे का भी कम होता है, तो रेजिस्टेंस बड़ा मैंगनीन का होता है, साथ ही साथ अल्फ़ा भी जो है वो आपका इसका जो है वो कम होता है। तो वैसे मैंगनीन यहाँ पर ऑप्शन सही है, अगर कॉन्स्टेंटन भी दिया होता तो वो भी सही रहता। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनका यूज़ हम मीटर ब्रिज या विभवमापी में प्रयुक्त होने वाले तार के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, चित्र में ए बी पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा, ए पॉइंट ये दिया है, बी पॉइंट ये दिया है, और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप देखिए, मैंने इस तरह का क्वेश्चन थ्योरी में करवाया भी है आपको, इसको थोड़ा सा आपने जो है वो तोड़ना मरोड़ना है, मतलब सर्किट को रीअरेंज करना है। तो देखिए, रीअरेंज जब करेंगे तो ए से यहाँ से देखिए एक वायर इधर निकला और यहाँ से दो हिस्से बने हैं, दो ब्रांच निकली हैं, एक 2 ओम और एक 4 ओम। तो हम इसको जरा इस तरह से बनाते हैं, ए ये पॉइंट है और इससे दो ब्रांच निकली हैं, एक तो ये 2 ओम वाली हो गई ये वाली, और एक ये 4 ओम वाली हो गई, ये इस तरफ हो गई। उसके बाद देखिए, ये उधर 2 ओम पे चल के सी पॉइंट आ गया और इधर हमारा ये 4 ओम पे चल के जो है वो डी पॉइंट आ गया, ठीक है। देखिए, वेट स्टोन ब्रिज की स्टार्टिंग हो चुकी है, सी से फिर आपके दो ब्रांच निकलती हैं, एक डी की तरफ 3 ओम, तो डी की तरफ तो 3 ओम लगा दिया, और एक हमारी बी की तरफ जाती है 1 ओम, तो बी की तरफ जाती है 1 ओम, ये बी पॉइंट हो गया यहाँ पर, और इधर डी से बी के बीच में 2 ओम लगा है, तो डी से बी के बीच में देखिए 2 ओम ये हमने लगा दिया।
तो ये सर्किट जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा था, इस तरह से रीअरेंज करने पर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने लगता है। अब देखिए इसमें आप जो है वो चेक कर लीजिए, 2:1 तो ये रेशियो हो गया पी बाई क्यू, और अगर हम आर बाई एस देखें तो आर बाई एस जो है वो यहाँ पे कितना है 4:2, यानी कि काटेंगे हम तो 2:1। इसका मतलब हमारा जो पी बाई क्यू है वो आर बाई एस बराबर है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड होने की सिचुएशन में ये हमारे इसमें करंट नहीं बहेगी, इसका मतलब ये इनफेक्टेड है, इसको हम हटा सकते हैं। तो जब हम इसको हटा देंगे तो देखिए वो सीरीज़ में, ये नीचे सीरीज़ में और ये फिर पैरेलल में आ जाएंगे। तो सीरीज़ में देखिए 2 और 1 का 3 ओम हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो है वो आपका इधर की तरफ देखेंगे तो 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया भी है कि 3 और 6, अगर मान लिया सपोज करिए 2 प्रतिरोध केवल दिए हैं और पैरेलल में जुड़े हैं, तो उनका रेजिस्टेंस R1 R2 / R1 + R2 इस तरह से डायरेक्ट निकल आता है। देखिए MCQ में टाइम बचाइए आप, यही सबसे बड़ी चीज़ है। 3 और 6 निकले हैं तो 3 × 6 / 3 + 6, इसका मतलब ये हो गया 18/9 यानी कि 2, इसका मतलब ये हो गया बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अभी अगर आप यहाँ पे 1/R = 1/R1 लगाते हो तो जाता, लेकिन थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने तो समझाने के पर्पज़ से वैसे भी डिटेल में बताया है, अदरवाइज़ ये डायग्राम में सीधे आप ये देख सकते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो मैंने समझाना था इसलिए इतना लिखा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है ज़रा सी देर में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी चालक का VI ग्राफ 2 अलग-अलग तापमान पर दिया है, कौन सा तापमान अधिक है? देखिए VI ग्राफ ये है, और ये टेम्परेचर T1 पे है और ये टेम्परेचर T2 पे है। अब आप देखिए VI ग्राफ के में देखिए स्लोप अलग अलग है, तो आप पहले ये देखिए VI ग्राफ अगर है हमारे पास, ये हमारे पास V है, I है और ये ग्राफ है, तो इसकी स्लोप रिप्रेजेंट क्या करती है? तो स्लोप जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर देखिए करंट जैसी चीज़ आएगी यानी कि डेल्टा I, और बेस यानी कि आपका वोल्टेज जैसी चीज़ आएगी यानी कि डेल्टा V। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप स्लोप जब निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसमें तो यहाँ पर ये 1/R यानी कि रेजिस्टेंस के उल्टे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वजह से रेजिस्टेंस के उल्टे को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होने पे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर तापमान अधिक होगा तो इसका मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध ज़्यादा होने का मतलब है स्लोप हमारी कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ स्लोप हमारी कम है, तो स्लोप हमारी T1 की कम स्लोप है, इसका मतलब T1 टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा माना जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो T1 जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को गलत करने वाले गलत भी कर सकते हैं, अगर सीधे देखें कि आप V और I पे ध्यान न दें और स्लोप न चेक करें, तो आप V और I इस स्लोप को ही रेजिस्टेंस मानेंगे, और रेजिस्टेंस उस केस में देखेंगे कि दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो T2 का टेम्परेचर अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखें तो आपकी स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक तरह से चालकता को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस हिसाब से जब आप सोचेंगे तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा पे प्रतिरोध ज़्यादा, तो प्रतिरोध ज़्यादा है तो स्लोप कम होगी, क्योंकि रिवर्स रिलेशन है, स्लोप कम किसकी है T1 की, तो इसलिए T1 टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोर मैग्नेटॉन का मान होता है, तो देखिए ये तो रटा ही चीज़ है कि बोर मैग्नेटॉन 29.27 × 10⁻²⁴ एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये बी ऑप्शन सही है। कंफ्यूज करने के लिए देखिए 10⁻²⁷, 10⁻²⁶ इस तरह की चीज़ें दे दी गई हैं, लेकिन जिसको याद है तो वो इसको आराम से जो है वो कर सकता है। ये वैल्यू जो है मैंने आपको पढ़ाई भी है, समझाई भी है थ्योरी क्लास में। सबसे पहले तो जो बच्चे अगर नए जुड़े हैं चैनल पे, तो वो ध्यान दें कि आप थ्योरी वीडियोस जो हैं देखना शुरू कर दें, और उनको फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड पे या 1x 1.5x की स्पीड पे देखें, ताकि आपको जल्दी से सारा सिलेबस जो है वो समझ में आ जाए, और उसके बाद ही MCQ सॉल्व करें। नहीं तो आप जितने सारे MCQ देखते चले जाएंगे, आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स पता लगते जाएंगे, आप कभी उसकी गहराई में नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। एक बार आप थ्योरी के थ्रू गहराई में पहुंच जाइए, फिर आपको सारे MCQ आसान लगने लगेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय सुग्राहिता का मान, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई एम जो है वो -0.03 है। पदार्थ के लिए सापेक्ष चुंबकशीलता का मान होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि μr जो है वो कितना होगा।
तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला सिंपली मैंने बताया था आपको म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई एम। जब मैंने डाया पैरा फेरो मैग्नेटिज्म की डिफरेंस पढ़ाए थे, उनका कंपैरिजन पढ़ाया था, तो ये बताया था कि म्यू आर जो है काई एम से एक अधिक, इकाई अधिक होता है, इस तरह की लैंग्वेज भी लिखवाई थी। तो इसमें आप देखिए वन प्लस और काई एम की वैल्यू माइनस 0.03 ऐड कर दीजिए तो ये आपका जो है प्लस का 0.97 आ जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान से देखें तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकत्व में गॉस का नियम है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म इज फाई इज इक्वल टू, अब देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, चुंबकत्व में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब फाई बी वाले हो सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी, ये क्लोज इंटीग्रल बी डॉट यहाँ तक सेम है। अब देखिए म्यू जीरो एम होता तो ये भी गॉस का नियम है, लेकिन इसके अंदर एम की वैल्यू जो पुट होगी, आप जानते हैं कि अगर कोई भी क्लोज सर्फेस लेंगे तो अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल नहीं रह सकता वहाँ पर, आप एम की वैल्यू क्या डालेंगे, तो एन एस जब दोनों ही रहेंगे तो नेट जो उसके अंदर पोल स्ट्रेंथ होगी, नेट जो ध्रुव सामर्थ्य होगी, वो दोनों का सम करेंगे तो प्लस माइनस मिला के जीरो ही हो जाना है। तो जब यहाँ पे एम की वैल्यू जीरो डालनी है तो वो जाके यहाँ पे रुकेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ बच्चे इसे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए अल्टीमेटली ये फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आपका यही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सी पार्ट जो है वो सही माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फेमस क्वेश्चन लेंज का नियम आधारित है। तो सब जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मैंने आपको डिटेल में थ्योरी क्लासेस में बताया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है वो सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, एक भाग चुंबक और एक अचुंबक बन जाता है, एक भाग उत्तरी ध्रुव व दूसरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो देखिए पृथक पृथक चुंबक मतलब क्वेश्चन यह है कि एक चुंबक लिया और उसको दो भागों में तोड़ दिया है, तो ये फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने बताया था कि कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं पोल्स, तो पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ये तो सही है, ये भी अपना पूरा मैग्नेट ये भी बन जाएगा। अब एक भाग चुंबक और एक अचुंबक, ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये मैग्नेटिज्म रहा इसमें और इसमें नहीं रहा मैग्नेटिज्म, ये तो बिल्कुल गलत है। सी पार्ट, एक भाग उत्तरी ध्रुव व दूसरा दक्षिण ध्रुव, ये चीज़ ही को तो मना कर रहे थे कि नॉर्थ अलग और साउथ अलग नहीं हो सकते, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं जिसने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने चूंकि थ्योरी क्लासेस को डिटेल में पढ़ा है जिसने, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इसको तुरंत गलत बताएगा। दोनों भाग अचुंबकीय हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, चुंबक को तोड़ेंगे तो चुंबकत्व तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए हमारा ए पार्ट जो है यहाँ पर सही है। देखिए जब सही पार्ट में कन्फ्यूज़न हो तो आप फिर बाकी को गलत करिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको पहली चीज़ सही दिखी, हो सकता है कोई ऑप्शन उससे भी ज़्यादा सही हो और वो सही आंसर बन जाए, तो इसलिए चारों ऑप्शन देखने चाहिए, तीन गलत बताइए तब एक सही और फिर उसके बाद टिक करिए, ये प्रॉपर मेथड है MCQs को सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डायनमो यानी कि विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है, तो जनरेट कैसे करता है वो इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए ताप विद्युत प्रभाव, टेम्परेचर तो दिया नहीं जाता, ठीक, डायनमो में गर्म तो करना नहीं पड़ता। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रभाव, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेरण होना चाहिए था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव ये जो है आपका सही ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंग्लिश वर्जन में सही लिखा था, हिंदी वर्जन में प्रेरण होना चाहिए, तो इसकी हेल्प से जो है वो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ये आपका सही ऑप्शन है। धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें तो धारा बहाओगे तब चुंबकत्व पैदा होगा, और ऊर्जा संरक्षण इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो लेंज लॉ वगैरह में जन आता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, इसके ऊपर आपका जनरेटर जो है वो डायनमो काम करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चांदी के एक तार में 90 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बह रहा है, तार में बहने वाली वैद्युत धारा एम्पियर में होगी। ये देखिए क्वेश्चन आप बिलो स्टैंडर्ड है, ये क्वेश्चन 10th क्लास में होना चाहिए। चांदी के एक तार में 90 कूलम आवेश यानी कि क्यू इज़ इक्वल टू आपको 90 कूलम दे दिया, 1 घंटा 15 मिनट यानी कि टाइमिंग आपको 1 आवर 15 मिनट्स दे दी है, जिसको कि आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड और 15 मिनट में 900 सेकंड, 15 × 96 तो 900 सेकंड, तो 0 0 9 6 15 5 3 1 4 यानी कि 4500 सेकंड हो गए, तो क्यू और टी आ गया, तो धारा कितनी होगी, तो I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला आप जो है लगा सकते हैं
और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.02 एम्पियर आता है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता यानी कि रेजिस्टेंस कितना होता है। तो देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वैसे तो उच्च होना चाहिए, लेकिन आदर्श स्थिति में अगर बोलें तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। वैसे यहाँ पे शून्य, निम्न और उच्च ये सब दिए थे। शून्य और निम्न तो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन उच्च और असीमित में कन्फ्यूज़न हो सकता है। वोल्ट मीटर अगर केवल होता है, ये हटा दें तो वोल्ट मीटर का उच्च रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आदर्श बोल दें तो उच्च भी अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुँच जाएगा यानी कि इनफाइनाइट। ये अलग बात है कि उस टाइम पे वोल्ट मीटर काम करना बंद कर देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कहने के लिए यही कहा जाएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर जो है वो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये क्वेश्चन हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस किया है डिटेल में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए एक अनंत लंबाई के तार को मध्य में आर त्रिज्या के अर्धवृत्त में चित्रानुसार मोड़ा गया है। वायर सीधा सीधा आ रहा था, बीच में ये हाफ सर्कल बना दिया है उसका। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। एक अगर मान लिया सपोज करिए कॉयल है, लूप है, तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला जो है म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2A, 2R या 2A इस तरह से आप कह सकते हैं। अब देखिए सेंटर पे आप वायर देखें, एक तो सीधा वायर है लेकिन पॉइंट जो है वायर की सीध में है। तो जब पॉइंट वायर की सीध में होता है तो बायो सेवर्ट लॉ लगाएंगे तो थीटा जो है ज़ीरो हो जाएगा, और इस वजह से इस वायर का सीधे वायर से एक सीधा वायर है, ठीक है ना, और एक आपका जो है सेमी सर्कल है। तो सेमी सीधे वायर से तो ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन सेमी सर्कल से देखें आप तो इसका आधा यानी कि म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2R का आधा यानी कि हाफ और लगा लें इसमें। अब देखिए चक्कर तो एक ही है तो इसलिए n की वैल्यू एक पड़ जाएगी और 2 और 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब म्यू ज़ीरो आई अपॉन 4R ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया सपोज़ करिए ये क्वेश्चन इस तरह का होता कि ये वायर आ रहा है और पूरा एक सर्कल ऐसे बनाया है और फिर वहाँ चाहिए आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सीधा वायर भी देगा मैग्नेटिक फील्ड और ये सर्कल भी देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई था इसका, तो देख समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम इसको लाइव क्लास में ले लेंगे। हालांकि मैंने लाइव क्लास में पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन मैंने केवल हिंट के पर्पज़ से बताया था न्यूमेरिकल जब कराए थे इसके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली क्या प्रदर्शित करती है। तो सबको पता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो अनामिका यानी कि फ्रंट फिंगर होती है, फोर फिंगर, वो आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, थंब जो है फोर्स को, और जो मध्यम होती है वो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं क्योंकि। तो स्टील की देखिए, स्टील में स्थायी चुंबक इसलिए बनाते हैं, स्थायी चुंबक का मतलब है एक बार चुंबकत्व तो देने के बाद आसानी से न जाए, तो न जाए तो वो तो निग्राहिता ही होगी इसके लिए। सबसे अच्छी बात कि स्टील की निग्राहिता अधिक होती है। आपको अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लानी पड़ेगी, तभी जा करके डीमैग्नेटाइज हो पाएगा। तो स्टील की धारणशीलता अधिक होती है, ये सही बात है, लेकिन इसके वजह से स्थायी चुंबक नहीं बनाया जाता। स्टील के शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है, ये भी सही है स्टील की बात, लेकिन ये कारण उसको स्थायी चुंबक बनाने का नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो है वो ए है। इसमें तीनों सही हैं, बात तीनों सही हैं, लेकिन जो वजह पूछी जा रही है वो केवल पहली सही है, निग्राहिता की वजह से उसको यूज़ कर रहे हैं। धारणशीलता तो आपकी उस मैग्नेट की भी, जो नरम लोहा होता है उसकी भी ज़्यादा होती है, और शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल ज़्यादा तो होता है, लेकिन आप देखिए ये ज़्यादा क्षेत्रफल आपके लिए प्रॉब्लम तब करता है जब आप बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करें। ये चीज़ आपकी जो है स्थायी चुंबक में नहीं होती है। इसको तो एक बार बनाया जाता है, बस एक बार बनाया और रिलीज़ कर दिया, बस ख़त्म। इतना रिटेंटिविटी लेकर के ये जो है वो हमेशा काम करता रहता है, चाहे स्पीकर के पीछे लगा दो चाहे कहीं भी लगा दो। तो ये आपका इस तरह से जो है वो काम करता है, और 16th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और देखिए CRO की फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर किस पदार्थ का लेप होता है। तो आपको पता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जो है जो फिक्स्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, देखिए NaCl तो कुछ भी नहीं है, जिंक सल्फाइड फेमस मटेरियल है, जिंक सल्फाइड का यूज़ होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और AgNO3 ये सब गलत ऑप्शंस है, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट इसलिए दिया है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और इन सब का यूज़ फोटोग्राफिक फिल्म में थोड़ा बहुत सुना जाता है, आपने सुना होगा शायद, तो हो सकता है उससे बच्चा कंफ्यूज कर जाए, इसलिए इस ऑप्शन को दिया गया है। लेकिन अदरवाइज अगर आपने थ्योरी डिटेल में पढ़ी है, मैंने इसके लिए थ्योरी क्लास ली थी और उसमें ये डिटेल में बताया भी था आपको पूरा CRO,
आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, तो उसमें जिंक सल्फाइड आपको डिटेल में बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मेज़नर प्रभाव में जब पदार्थ का ताप क्रांतिक ताप से कम किया जाता है तो पदार्थ बन जाता है, कुचालक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मेज़नर इफेक्ट जानते हैं सब कि जैसे ही सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनता है वैसी लाइनें बाहर भाग जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर से जाती हैं, और ये खासियत जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की होती है। तो इसलिए सुपर कंडक्टिविटी भी हम पढ़ा चुके हैं आपको थ्योरी में, और ये चीज़ आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय का फ़र्क भी समझा चुके हैं। तो अब आप दोनों कंसेप्ट मालूम हैं, अब आपको जो है बड़े आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, विभव मापी के तार पर बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर विभव प्रवणता का मान होता है। देखिए मैंने जब थ्योरी क्लास ली थी आपको तो ये बताया था कि विभव मापी के तार पर लेफ्ट से राइट जाएं तो विभव जो है वो कम होता जाता है, इसीलिए विभव पाथ कहते हैं इसे, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं इसे। और लेफ्ट से राइट जाने पर विभवांतर की बात अगर करें तो वो बढ़ता जाता है, लेकिन विभव प्रवणता जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, वो तो पूरे वायर के लिए फिक्स्ड है, चाहे आप यहाँ से लो, चाहे वहाँ लो, चाहे यहाँ लो। अगर विभव प्रवणता K इज इक्वल टू वी बाई एल है, अब आप लंबाई ज़्यादा लेते जाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा, तो विभवांतर भी बढ़ता चला जाएगा, तो रेशियो तो वहीं का वहीं आ जाएगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करा गया था इसमें, और इसमें आप कम ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि नियत रहता है, यानी कि 19वें का सी पार्ट जो है वो सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए, प्रत्यावर्ती जनित्र एसी जनरेटर या डायनामो में जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तब कुंडली से महत्तम फ्लक्स गुजरता है, इस अवस्था में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये है और हमारी कुंडली जो है वो लंबवत है इसके बिल्कुल, तो फ्लक्स सारी लाइनें इसमें से पास हो रही हैं, फ्लक्स मैक्सिमम है। लेकिन मैंने आपको ये थ्योरी क्लास में बताया है, जनरेटर वाली क्लास में, एसी जनरेटर में, एसी हो या डीसी हो, कोई भी जनरेटर हो, तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, लेकिन उस टाइम पे फ्लक्स के चेंज होने की दर यानी कि d∅dt वो मिनिमम होती है, वो ज़ीरो होती है, और इस वजह से ईएमएफ यहां पे ज़ीरो इंड्यूस होता है। तो इस केस में जो है वो आपके ऑप्शंस देखिए, अधिकतम, न्यूनतम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यानी कि न्यूनतम, और न्यूनतम की भी वैल्यू अगर है यहां पे ज़ीरो दिया होता तो वो हमारा सही ऑप्शन होता, न्यूनतम दिया है तो यही सही है, अगर न्यूनतम और ज़ीरो दोनों दिए होते तो फिर हम ज़ीरो पे ही टिक करते। तो इसलिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। इसमें उसी कंफ्यूजिंग पॉइंट का यूज़ किया गया है कि लोग सोचते हैं फ्लक्स मैक्सिमम है तो इसका मतलब ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। देखिए, ईएमएफ फ्लक्स से मतलब नहीं होता है, फ्लक्स के चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो फ्लक्स मैक्सिमम होने पर भी देखिए इस सिचुएशन में ईएमएफ आपका ज़ीरो इंड्यूस हो रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, सबको मालूम है कि 3.6 × 10⁶ जूल, अगर 1 वाट आवर होता तो उसमें ये होता 3.6 × 10³, तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। तो ये आपका 1 वाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड निम्न प्रकार हैं, लाल, बैंगनी, नारंगी तथा सिल्वर प्रतिरोध का मान होगा। तो देखिए आपको फॉर्मूला जो पता है ये देखिए लिख भी रखा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो वेरी गुड वाइफ इस तरह से ये आपका हो गया। अब आप इसमें देख लीजिए, रेड तो आर के लिए 2 होता है, तो आर की डिजिट हमने 2 नोट कर ली। बैंगनी के लिए देखिए यहाँ वायलेट के लिए 7 होता है तो 7 नोट कर लिया। ऑरेंज के लिए 3 होता है तो हमने 3 × 10³ कर लिया। और सिल्वर के लिए 10% टॉलरेंस होती है। तो केवल इतना सा सीरीज़ याद करके आप नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से लगे रहते हैं, तो उसके बेस पे आप यहाँ से कोड निकाल सकते हैं। और जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए, डिजिट आपने पहली 2 लिखी, दूसरी 7 लिखी, मल्टीप्लायर में नारंगी के लिए मल्टीप्लायर 10³ लगा दिया, और सिल्वर के लिए ±10%। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट निकलता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 2 सेलों के श्रेणी क्रम का संयोजन का विद्युत वाहक बल विभवमापी के तार की 20 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। जब निर्बल सेल के ध्रुवों को पलट देते हैं तो संतुलन बिंदु तार पर 8 सेंटीमीटर खिसक जाता है, उनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, ये 2 श्रेणी क्रम में तत्सेल लगे हैं, तो देखिए एक सेल ऐसे हो गया और दूसरा सेल ऐसे हो गया, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हैं, इसका मतलब E1 अगर ये है, E2 ये है, और इसको आप वीक मान लीजिए E2 को, तो उस केस में जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं तो तुल्य विद्युतांतर, जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो E1 + E2 ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए 20 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होते हैं, तो फॉर्मूला E = KL होता है, तो E1 + E2 = K
के इंटू एल, एल मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया, तो के इंटू 20, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। इसके बाद जब निर्बल सेल के ध्रुवों को पलट देते हैं, यानी कि E2 को पलट देंगे, तो E2 को जब पलट देंगे आप, तो E1 माइनस E2 ये आपका तुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा, और इस केस में जो है वो आपका संतुलन बिंदु तार पर 8 सेंटीमीटर खिसकेगा। तो खिसकेगा देखिए किधर, 20 का 28 होगा या फिर 20 का 12 होगा, क्या होगा? तो देखिए जब विभवांतर विद्युत वाहक बल कम कर दिया है तो आपका 20 से 8 सेंटीमीटर पीछे ही खिसकेगा, यानी कि वो केवल 12 रह जाएगा। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के इंटू 12, ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगी। यही मेन चीज़ थी जो इस क्वेश्चन में पहचाननी थी आपको, कि 8 सेंटीमीटर खिसका तो है लेकिन लेफ्ट खिसकेगा या राइट, कम होगा या ज़्यादा। तो चूंकि विद्युत वाहक बल को पलट रहे हैं तो यानी कि वो अपोज करेंगे एक दूसरे का E1 माइनस E2, तो इसलिए संतुलन बिंदु जो है वो कम लंबाई पर आएगा। अब देखिए इनको आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडिंग फर्स्ट सेकंड, तो देखिए कितना होगा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के कट गया 20 अपॉन 12, 4 3 जा 4 5 जा, ये हो जाएगा 3E1 प्लस 3E2 इज इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो E1 ये उसको ले जाइए उधर, तो 2E1 इज इक्वल टू, और इधर 3E2 में 5E2 8E2 हो जाएगा, यानी कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू E1 के नीचे E2 आएगा, तो उधर 8 अपॉन 2 यानी कि 4:1। इसका मतलब आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए इतना छोटा नहीं था, न्यूमेरिकल था और थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन MCQ चूंकि 2 नंबर का आएगा तो इसलिए चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से सदैव कम रहता है, सदैव अधिक रहता है, बराबर रहता है, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो देखिए वैसे तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, आपका V लेस देन E है, लेकिन एक सिचुएशन मैंने बताई है आपको थ्योरी क्लासेस में कि जब बैटरी जो है वो चार्ज हो रही हो तो उस केस में करंट की दिशा पलट जाती है और V इज इक्वल टू E प्लस IR ये फॉर्मूला होल्ड करने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ये सही माना जाएगा, डी पार्ट, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। आइए वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है निग्राहिता, धारणशीलता, क्यूरी टेम्परेचर, एक चुंबकन चक्र में प्रति एकांक आयतन में व्यय ऊर्जा। तो देखिए शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल जो है वो हमने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, निग्राहिता और धारणशीलता तो अलग चीज़ें होती हैं, क्यूरी ताप का इससे कोई मतलब नहीं रहता है, चुंबकन चक्र में प्रति एकांक आयतन में व्यय ऊर्जा को ही ये प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है आपका, और इस तरह से ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, ताकि इस समय जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिलती रहें, उनके नोटिफिकेशंस आप तक लगातार पहुँचते रहें। तो परीक्षा की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।